गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का संकल्प अकेडमी में स्वागत है आज हम लोग कक्षा बारह में प्रश्नावली सात दशमलव ग्यारह को हल करेंगे इस चैप्टर में आप लोग को हल करने के लिए प्रगुढ़ की आवश्यकता है सबसे पहले उस प्रगुढ़ को नोट कर लेंगे देखिए सात प्रगुढ़ है सातों प्रगुढ़ के बारे में हम यहाँ जानेंगे और उस पर जो आधारित सवाल है उसको हम हल करके देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले प्रगुढ़ को लिख लीजिए सात प्रगुढ़ है देखिए पहला प्रगुढ़ है आपका ध्यान से कि किए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका वही मान आएगा ए से बी एफ टी डी टी ध्यान से समझिए यदि फलन X का है तो उसका अवकलन X के साथ समाकलन करेंगे तो X के सापेक्ष तो समाकलन करने के बाद जो मान रखेंगे A से B तक ठीक है तो वही मान प्राप्त होगा यदि फलन टी का भी है उसका भी समाकलन करेंगे उसमें भी मान जो है ए से बी तक निकालेंगे तो दोनों मान समान हो जाएंगे तो इस तरह से क्या हो गया प्रगुड़ एक हो गया ठीक है अब दूसरे प्रगुड़ को नोट कर लेंगे देखिए दूसरा प्रगुड़ है आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस तीन यदि देखिए हम लिमिट का मान जो दिया है यदि उल्टा दिशा में निकाले तो हमारा जो है यहाँ पर समाकलन का मान जो है क्या होता है माइनस बी से ए तक एफ डी एक्स ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा दूसरा नंबर और तीसरा प्रगुड़ है आपका ए से बी एफ डी एक्स बराबर ध्यान समझिएगा ए अब हम जो है प्रश्नावली सात दशमलव ग्यारह के पहले सवाल को हल कर हल करने जा रहे हैं इससे पहले आप लोग प्रगुढ़ के बारे में जान चुके थे ध्यान से देखिए सात दशमलव ग्यारह का पहला सवाल आई बराबर जीरो से पाई बाई दो का स्क्वायर एक्स डी एक्स अब यहाँ पर प्रगुड़ देखिए जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इसके लिए प्रगुण क्या बताया गया है आपको ध्यान से देखिए एक बार और बीच, बीच बीच में बताते जाएंगे आप लोग को जीरो से एफ एक्स डी एक्स का मान जो है जीरो से ए ही रहेगा और लेकिन फौरन का मान हम चेंज करके इतना भी लिख सकते हैं तो इसी के आधार पर हम इसको हल करेंगे ठीक है ये प्रगुढ़ जो है आपका पाँच नंबर पर लिखाया गया है प्रगुढ़ का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन प्रगुढ़ याद रहना चाहिए कि कौन सा प्रगुढ़ है कैसा है तो कैसे करेंगे ठीक है जीरो से ए आए तो जीरो से ए के लिए कौन सा प्रगुण बना है ठीक है और इसी आधार पर देखिए जीरो से पाई बाई दो A का पाई बाई दो समझिए यहाँ अब काश स्क्वायर ध्यान से देखिए क्या है ए माइनस एक्स तो ऊपर कितना दिया है पाई बाई दो माइनस एक्स डी एक्स अवकाश पाई बाई दो माइनस एक्स के लिए सूत्र क्या बताया गया है आपका इसके लिए सूत्र बताया गया आपको साइन काश नब्बे माइनस थीटा बराबर साइन थीटा तो यहाँ पर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ठीक है इसको समीकरण नंबर एक और इसको दो अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे समीकरण एक दो को जोड़ने पर ध्यान से रखिए जोड़ेंगे कैसे आई आई टू आई हो गया अब इस साइड कैसे जोड़ेंगे ध्यान से देखिएगा जैसे लिमिट का मान यदि समान है तो जोड़ेंगे तो केवल अंदर वाले फलन को जोड़ा जाता है ठीक है तो हम यहाँ पर सब इसे उतार लेंगे जीरो से पाई बाई दो और क्या है ऊपर जो है काश स्क्वायर एक्स है और नीचे जो है दूसरे समीकरण में फलन का मान क्या हो जा रहा है साइन स्क्वायर चूंकि काश नब्बे माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा ठीक है स्क्वायर है तो स्क्वायर दे लेंगे फिर प्लस जोड़ना है तो प्लस का दे कर डीएक्स अब देखिए टू आई बराबर जीरो से पाई बाई दो काश स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के लिए आपको सूत्र क्या बताया गया है एक के बराबर होता है तो यहाँ पर जो है वन डी एक्स हो जाएगा तो इस तरह से आपका टू आई बराबर हो जाएगा देखिए समाकलन कर लेंगे जीरो से एक वन डी एक्स है तो वन के लिए सूत्र क्या बताया गया एक्स कहाँ से कहाँ तक तो जीरो से पाई बाई दो तो इस तरह से आपका टू आई बराबर एक बार पाई बाई दो रखेंगे एक बार जीरो तो टू आई बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई दो तो आई बराबर क्या हो गया पाई बाई फोर यही क्या हो गया आंसर इसको नोट कर लेंगे देखिए साइन स्क्वायर हो या का स्क्वायर हो जीरो से पाई बाई दो है तो हमेशा उसका मान जो है पाई बाई फोर ही आएगा ठीक है नोट कर लेंगे अब जो है दूसरे नंबर को ध्यान से देखेंगे देखिए दूसरे में जो है आपके तीन सवाल दिए हैं तीनों को एक ही तरीके से लगाएंगे तो पहले सवाल कॉल करते हैं आई बराबर जीरो से पाई बाई दो अंडर उट साइन एक्स रूट काशक्स और प्लस साइन एक्स रूट ठीक है इसमें भी वही प्रगुण लगेगा क्योंकि जीरो से ए के रूप में है ऊपर वाले को समीकरण नंबर एक और नीचे वाले कॉल करेंगे देखिए जीरो से पाई बाई दो अंडर रूट एक्स के स्थान पर क्या रखना है ए माइनस यक्स ध्यान से देखिए तो साइन पाई बाई दो माइनस यक्स और नीचे भी चेंज करेंगे तो कास पाई बाई दो माइनस यक्स प्लस रूट में साइन पाई बाई दो माइनस यक्स डी एक्स ठीक है प्रगुड़ के हिसाब से हवा में बढ़ेंगे तो जीरो से पाई बाई दो देखिये साइन नब्बे माइनस थीटा के लिए सूत्र क्या बताया गया है कास अंडर रूट है तो अंडर रूट उसे बटामे रूट काश नब्बे माइनस सीटा के लिए सूत्र है साइन एक्स फिन प्लस इसके लिए सूत्र है काश एक्स डी एक्स अब दोनों को जोड़ लेंगे देखिये जोड़ेंगे तो आई आई टू आई और इस साइड जीरो से पाई बाई दो दोनों फलों का जोड़ना है केवल ठीक है तो अंडर रूट साइन बटा अंडर रूट काशक्स प्लस रूट साइन प्लस दो में क्या दिया है अंडर रूट x तो रूट x बटा में अंडर रूट साइन इन प्लस रूट काशक्स डी एक्स अब ध्यान से देखिए दोनों में जो है हर का मान क्या है समान है तो जब हर का मान समान होता है तो केवल ऊपर ऊपर जोड़ देते हैं और नीचे का मान वही लिख दिया जाता है ठीक है तो जीरो से पाई बाई दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स फिन प्लस रूट काशक्स अपान नीचे भी वही हो जा रहा है रूट काश्यक्स फिन प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स देखिए जब भी ऊपर नीचे समान हो जाते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है एक के बराबर होगा तो यहाँ भी टू आई बराबर जीरो से पाई बाई दो वन डी एक्स तो टू आई बराबर वन के लिए सूत्र है एक्स तो टू आई बराबर कितना हो जाएगा एक बार पाई बाई दो एक बार जीरो तो टू आई बराबर घटा लेंगे तो पाई बाई दो इस तरह से आई बराबर कितना हो गया इसका भी आंसर पाई बाई फोर नोट कर लेंगे ठीक है अब जो है दूसरे के दूसरे नंबर सवाल को ध्यान से देखिए आई बराबर जीरो से पाई बाई दो एक वटा अंडर रूट वन प्लस एक वटा में वन प्लस अंडर रूट कितना है काट एक्स डी एक्स ठीक है तो काट को सबसे पहले साइन काश में बदल देते हैं ये जीरो से पाई बाई दो एक वटा में वन प्लस देखिए काट के लिए सूत्र क्या बताया गया है काश एक्स अपॉन साइन एक्स ठीक है डी एक्स तो इसको हम यदि हल करते हैं तो फिर से जीरो से पाई बाई दो देखिए एक वटा में लौसअप कितना हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स तो साइन एक्स फिर प्लस रूट कास काशक्स डी एक्स देखिए अंडर रूट साइन एक्स है तो ऊपर भेज देंगे तो चला जाएगा भाग देना है तो ऊपर जाएगा तो गुड़ा हो जाएगा तो जीरो से पाई बाई दो रूट साइन एक्स अपन अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट काशक्स डी एक्स ठीक है अब देखिए ये जो है दूसरे के ठीक पहले सवाल को जैसे हल किए थे ठीक उसी प्रकार ये भी बन गया है ठीक है तो इसका अभिमान कितना आएगा पाई बाई फोर इसको भी हल कर सकते हैं अब इसको जो है समीकरण नंबर एक मान लेंगे ठीक है वही प्रगुण लगाएंगे जीरो से ए वाला तो जीरो से पाई बाई दो ध्यान से देखिए प्रगुड़ लगाएंगे तो अंडर रूट साइन पाई बाई दो माइनस एक्स ए माइनस एक्स है बटामे अंडर रूट साइन पाई बाई दो माइनस यक्स फिर प्लस रूट कास पाई बाई दो माइनस एक एक्स, एक्स, ठीक है प्रगुड़ वही है जो सबसे पहले लगाए थे अब देखिए आई बराबर कितना हो जाएगा जीरो से पाई बाई दो साइन के लिए सूत्र है साइन नब्बे माइनस थीटा रहता है तो अक्स अपन अंडर रूट अक्स फिन प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स अब यहाँ भी क्या कर लेंगे दोनों को जोड़ लेंगे जैसे पहले हल किए थे तो यहाँ भी लिख लेंगे समीकरण वन टू को जोड़ने पर जोड़ के देख लेंगे देखिए समीकरण एक में अंडर साइन एक्स देखिए नीचे जो है दोनों में हर का मान समान है तो केवल ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे तो अंडर उसे हो जाएगा ध्यान देखिए ऊपर जो है समीकरण एक में रूट साइन एक्स नीचे जो है अंडर उसे और दोनों में हर का मान जो है क्या है समान है जब देखिए ऊपर नीचे समान आ जाते हैं तो उसका मान क्या बताया गया है एक तो वन डी एक्स हो गया और वन के लिए समाकलन में सूत्र है एक्स तो जीरो से पाई बाई दो हल कर लेंगे तो टू आई बराबर पाई बाई दो माइनस जीरो आई बराबर पाई बाई दो बटा में दो मतलब चार हो जाएगा ठीक है नोट कर लेंगे अब जो है दूसरे को तीसरे नंबर सवाल को देखेंगे अंडर रूट टैन एक्स बटा एक प्लस अंडर रूट एक्स। तो इसको भी हम साइन काश में बदल के हल कर लेंगे वही मान प्राप्त हो जाएगा देखिए अंडर रूट साइन है, तो लिख सकते हैं साइन एक्स अपान रूट एक्स। ठीक है बटा में वन प्लस नीचे वाले को भी लिख सकते हैं अंडर उड साइन एक्स और बटामे रूट काशक्स डी एक्स देखिए हल करेंगे पुनः वही प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स बटा में देखिए रूट काशक्स है नीचे का लसा पे आपको जो है रूट काशक्स मिल जाएगा तो एक से गुड़ा कर लेंगे तो कितने बार हो जाएगा अंडर रूट काशक्स यहाँ पर बटा है फिर प्लस रूट साइन एक्स देखिए ऊपर नीचे दोनों में हर का मान समान है तो ये कट जाएगा तो इस तरह से जीरो से पाई बाई दो ऊपर जो है केवल रूट साइन एक्स और बटा में नीचे जो है अंडर रूट काशक्स और प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स ठीक है इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं वही प्रगढ़ लगा के समीकरण नंबर एक मान लेंगे आई बराबर देखिए जीरो से पाई बाई दो साइन पाई बाय दो माइनस यक्स अपन अंडर रूट काश पाई बाय दो माइनस अंडर रूट साइन पाई बाई दो माइनस एक्स डी एक्स ठीक है अब आई बराबर देख लीजिए क्या हो जाता है जीरो से पाई बाई दो साइन नब्बे माइनस थीटा के लिए सूत्र पड़े हैं काश एक्स फिर नीचे कास के लिए है तो साइन एक्स हो जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स समीकरण दो मान लेंगे दोनों को जोड़ के हल कर लेंगे देखिए ऊपर नीचे समान है कट के एक हो जाएंगे अंडर उड काशक्स फिर प्लस अंडर उड साइन एक्स अपन अंडर उड साइन एक्स फिन प्लस रूट काशक्स ठीक है जोड़ेंगे तो ऊपर वाला ऊपर जोड़ेंगे और नीचे वाला नीचे नीचे वाला जो है उसको लिख लिया जाता है हर समान रहता है तो आई बराबर जीरो से पाई बाई दो इसका मान वन डी एक्स देखिए जोड़ेंगे तो आई आई कितना हो जाएगा टू आई कर लेंगे वन के लिए सूत्र बताया गया है एक्स जीरो से पाई बाई दो हल करेंगे तो पाई बाई दो माइनस जीरो तो टू आई बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई दो तो आई का मान जो है पाई बाई फोर ठीक है नोट कर लेंगे अब जो है तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए आई बराबर जीरो से पाई बाई दो साइन के पावर तीन बटा दो यक्स बटा में कास के पावर तीन बटा दो यक्स फिन प्लस साइन के पावर तीन बटा में दो यक्स ठीक है इसको जो है समीकरण नंबर एक यहाँ भी प्रगुण वही लगाएंगे जीरो से ए के रूप में तो जीरो से पाई बाई दो साइन ठीक है एक्स के स्थान पर पा, पाई बाई दो माइनस एक इसके कितना घात है तो तीन बटा दो घात तीन बटा दो घात लिख लेंगे बटा में नीचे भी ठीक वैसे काश पाई बाई दो माइनस यक्स के पावर कितना है तो तीन बटा दो यहाँ भी नोट कर लेंगे फिर प्लस साइन पाई बाय दो माइनस यक्स इसका भी घात कितना है तीन बटा दो घात डी एक्स ठीक है कौन सा प्रगुण लगाया गया है तो इसको भी लिख देंगे चूंकि जीरो से ए, एफ डी एक्स बराबर जीरो से एफ ए, ए, ए माइनस x डी एक्स ठीक है अब देखिए साइन नब्बे माइनस थीटा के लिए सूत्र क्या बताया गया है काश तो इसका मान जो है काश के पावर तीन बटा में दो यक्स और नीचे का मान जो है साइन के पावर तीन में दो यक्स ठीक है काश नब्बे माइनस थीटा के लिए साइन थीटा और घात कितना है तीन बटा दो तो तीन बटा दो घात कर लेंगे फिर प्लस काश के पावर तीन में दो यक्स डी एक्स इसको जो है समीकरण नंबर दो मान लेंगे उसके बाद दोनों को जोड़ लेंगे जोड़ेंगे तो आई आई जो है टू आई हो जाएगा इस साइड भी ध्यान से देखिए नीचे वाले में हर का मान समान है तो केवल ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो काश के पावर तीन बटा दो यक्स, फिन के पावर तीन बटा दो यक्स और नीचे में हर का मान भी वही है ठीक है देखिए ऊपर नीचे जब समान हो जाते हैं तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका मान जो है एक हो जाएगा जीरो से पाई बाई दो तक करना है तो जीरो से पाई बाई दो लिमिट देते जाएंगे और वन के लिए सूत्र क्या बताया गया है एक्स जीरो से पाई बाई दो हल कर लेंगे तो टू आई बराबर पाई बाई दो, दो माइनस जीरो तो टू आई बराबर पाई बाई दो हो जाएगा आई बराबर पाई बाई फोर आंसर हो गया नोट कर लेंगे चलिए अब हम चार नंबर को सवाल कॉल करने जा रहे हैं ठीक है देखिए आई बराबर जीरो से पाई बाई दो साइन के पावर पाँच एक्स में कास के पावर पाँच एक्स प्लस साइन के पावर पाँच एक्स डी ठीक है हल कैसे करेंगे इसमें भी वही प्रगल लगाएंगे जीरो से पाई बाई दो ठीक है साइन पाई बाई दो माइनस एक्स, ए माइनस एक्स वाला ठीक है कितने घात है पाँच घात नीचे भी वही लिख लेंगे कास पाई बाई दो माइनस एक्स इसका भी घात कितना है पाँच घात इन प्लस साइन पाई बाई दो माइनस एक्स इसके भी घात कितने हैं पाँच घात डी एक्स ठीक है प्रगुल तो याद हो गया होगा और देखिए आई बराबर जीरो से पाई बाई दो साइन नब्बे माइनस थीटा के लिए सूत्र क्या बताया गया है काश पाँच आते हैं तो पाँच आते नीचे भी काश के लिए सूत्र बताया गया है काश नब्बे माइनस रहता है तो साइन पाँच फिन प्लस काश के पावर पाँच एक हो जाएगा यहाँ पर प्रगुड़ का नाम दे दे रहे हैं कौन से प्रगुड़ से हुआ है तो जीरो से ए यफ एक बराबर जीरो से ए यफ ए माइनस यक्स डी एक्स ठीक है अब देखिए ऊपर वाले के समीकरण एक इसको समीकरण नंबर दो, दोनों को जोड़ लेंगे देखिए जोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि नीचे में जो है हर का मान समान है तो केवल ऊपर वाला जुटेगा तो आई बराबर टू आई आई जोड़ लेंगे तो इधर टू आई और इधर जीरो से फाई बाई दो साइन के पावर पांच यस प्लस कास के पावर पाँच एक्स बटा में साइन के पावर पाँच एक्स प्लस कास के पावर पाँच एक डी एक्स देखिए जब ऊपर नीचे समान होते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है एक तो टू आई बराबर जीरो से पाई बाई दो वन डी एक्स ठीक है वन के लिए सूत्र क्या बताया गया है एक्स जीरो से पाई बाई दो तो एक बार पाई बाई दो रख लेंगे एक बार जीरो तो टू आई बराबर पाई बाई दो माइनस जीरो पाई बाई दो हो जाएगा तो आई बराबर पाई बाई फोर ठीक है नोट कर लेंगे पांच नंबर कॉल करते हैं ध्यान से देखेंगे आई बराबर माइनस पाँच से पाँच और मार्ड आफ एक्स प्लस दो अब देखिए जहाँ भी मार्ड के रूप में फलन मिलेगा और तो उसका मतलब दो वो मान होता है क्योंकि माइनस भी रहता है तभी भी प्लस ही लिखते हैं और प्लस रहता है तभी भी प्लस रहते हैं लेकिन समाकलन करते समय हमको इसको ध्यान देना है कहाँ से कहाँ तक टूटेगा उसको जानने के लिए सबसे पहले ध्यान से देखेंगे मान ऑफ एक्स प्लस दो का मान क्या क्या हो सकता है एक तो ये हो सकता है माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस दो और एक जो है प्लस वाला है तो प्लस वाला यदि कब इसको रखेंगे यदि x का मान जो है क्या हो माइनस दो से छोटा हो यदि x का मान क्या हो माइनस दो से बड़ा ठीक है मतलब माइनस दो से बड़ा होगा तो हमारा फलन का मान क्या रख लेंगे x प्लस दो क्योंकि प्लस है प्लस ही लाना है हमको अब ध्यान देखिए यदि हम माइनस दो से छोटा करेंगे तो हमारा फलन का मान क्या आएगा माइनस लेकिन हमारा मार्ड में दिया है इसको प्लस बनाने के लिए इसीलिए हम क्या कर लेंगे माइनस चीन से गुड़ा अब इसी आधार पर अब इसको हम हल करेंगे तो पहले में माइनस है तो माइनस तीन बाहर निकाल लेंगे कहां से कहां तक करेंगे माइनस पांच से देखिए एक्स प्लस दो बराबर जीरो करते हैं तो एक्स बराबर क्या देखिए इसको हल किए हैं तो 25 बटा दो माइनस पच्चीस माइनस दो और दस 25 दो सत्ताईस में दस गया सत्तर ठीक है फिर प्लस इसको हल करेंगे तो 32 माइनस चालीस प्लस पच्चीस इसको भी हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा सत्रह फिर माइनस पच्चीस बटा में दो अब इसके आगे हल करते हैं ध्यान से देखेंगे i बराबर कितना हो जाएगा देखिए माइनस चीन से गुणा कर लेंगे इसमें तो माइनस पच्चीस में दो फिर माइनस माइनस प्लस सत्रह और ये भी प्लस सत्रह हो जाएगा ठीक है और ये माइनस पच्चीस में दो देखिए माइनस पच्चीस में दो और माइनस पच्चीस में दो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए माइनस पच्चीस बटा जैसे आधा आधा जोड़ते हैं तो एक हो जाता है तो ठीक उसी पर माइनस पच्चीस बटा दो और माइनस पच्चीस बटा दो को जोड़ेंगे तो माइनस पच्चीस और सत्रह में सत्रह को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा चौंतीस ठीक है इस तरह से आई बराबर चौंतीस में से पच्चीस गया नौ क्या हो गया आंसर नोट कर लेंगे अब जो है सात नंबर को ध्यान से देखिए i बराबर जीरो से एक एक्स ब्रैकेट में वन माइनस एक्स के पावर एन दिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो से एक प्रगुड़ का प्रयोग करेंगे x के स्थान पर क्या रख लेंगे वन माइनस यक्स ए माइनस एक्स के फार्मूला से ठीक है वन माइनस एक्स के स्थान पर वन माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस चिन्ह है तो ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा माइनस एक और प्लस के पावर डी एक्स चूंकि जीरो से ए एफ डी एक्स बराबर जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स बराबर होता है जीरो से एक हो जाएगा वन माइनस एक्स देखें इसको हल कर लेंगे वन में से वन कट गया ठीक है जीरो हो गया केवल एक्स के पावर एन घात डी एक्स अब इसको गुड़ा करके आसानी से हल कर सकते हैं एक्स के पावर एन हो जाएगा गुड़ा करेंगे और एक्स के साथ गुड़ा करेंगे तो माइनस एक्स के पावर एन प्लस वन अब एक्स के पावर एन घात के लिए सूत्र पता ही है आपको एक्स के पावर यन प्लस वन बटा में यन प्लस वन इन माइनस एक्स के पावर एन प्लस टू बटा में यन प्लस टू हो जाएगा इसमें सी नहीं जोड़ना है जीरो से एक तक अब x के स्थान पर एक बार एक रख लेंगे एक बार जीरो तो एक के पावर n प्लस वन में एन प्लस वन फिर माइनस एक के पावर एन प्लस दो में एन प्लस दो ठीक है फिर माइनस इन दे देंगे जीरो रखेंगे अब इसको हल करते हैं तो देखिए एक के पावर जितना भी गात रहता है उसका मान एक ही होता है तो एक बटा एन प्लस वन हो जाएगा और माइनस एक बटा एन प्लस दो और ये सब टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो के पावर के रूप में है जीरो का जितना भी बार गुड़ा करेंगे उसका मान जीरो होता है ठीक है आई बराबर इसका लसअपे ले लेंगे तो यन प्लस वन और यन प्लस दो ठीक है एन प्लस वन से भाग करेंगे यन प्लस दो बढ़ जाएगा फिर माइनस एन माइनस वन हो जाएगा ए, एन माइनस एन कट जाएगा दो में से एक गया एक बटा एन प्लस वन और एन प्लस दो यही आंसर हो जाएगा नोट कर लेंगे आठ नंबर को ध्यान से देखिए आई बराबर जीरो से पाई बाई फोर लाग वन प्लस टेन एक्स दिया है तो जीरो से पाई बाई फोर लिख लेंगे इसको भी उसी सूत्र के आधार पर तोड़ेंगे लाग वन प्लस देखिए टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स ठीक है और डी एक्स है तो डी एक्स लिख लेंगे कौन सा प्रगुड़ है जीरो से ए या फस डीएक्स बराबर जीरो से ए अब क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स डी एक्स ठीक है अब यहाँ पर हमको ए माइनस बी के लिए सूत्र पता होना चाहिए लाग वन प्लस यहाँ पर सूत्र है टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपन वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स ठीक है और dx है तो dx लिखेंगे ही टेन पाई बाई फोर का मान एक बताया गया है ठीक है अब इसको भी लसा पे लेके आप हल कर सकते हैं आई बराबर जीरो से पाई बाई फोर लाग ध्यान से देखिए वन प्लस टेन एक्स लॉसा पे हो जाएगा ठीक है देखिए एक एक से भाग करेंगे कितना वन प्लस टाइन प्लस वन माइनस टाइन अब यहाँ पर देखिये टाइन टाइन एक्स कट जा रहा है टाइन एक्स टाइन एक्स कट गया ये दोनों कट गया एक एक दो बटा में वन प्लस टेन एक्स एक्स है तो एक्स ठीक है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो से पाई बाई फोर ठीक है और लाख दो देखिए लाख के प्रॉपर्टी से भाग होता है तो वो क्या हो जाता है बटा में तो जीरो से पाई बाई फोर लाख दो हो जाएगा ठीक है देखिए इसको कैसे हल करते हैं लॉग दो बटा में वन धन टेन एक्स है तो हम जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो से पाई बाई फोर देखिए बटा में रहता है तो वो माइनस के रूप में होता है तो लाग दो और माइनस लाग वन प्लस टेन एक्स लिख सकते हैं इसको इतना को अलग कर लेंगे इतना को अलग देखिए आई बराबर कितना हो जाएगा जीरो से पाई बाई फोर लाख दो ठीक है फिर माइनस जीरो से पाई बाई फोर ठीक है कितना हो जाएगा लाख वन प्लस टेन एक्स डी ठीक है ये मान जो है आई के बराबर है है, ये मान जो है आई के बराबर है समीकरण एक तो आई पछाता कर लेंगे आई प्लस आई देखिए लाख दो संख्या के रूप में आग, बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचा यहां पर डी एक्स. एक्स के लिए सूत्र बताया गया एक्स जीरो से पाई बाई फोर आई आई जोड़ लेंगे टू आई बराबर लाख दो और ये जो है पाई बाई फोर और माइनस जीरो आई बराबर एक बटा में दो लाख दो और एक घटा देंगे तो पाई बाई फोर अब आई बराबर पाई बटा आठ लाख दो यही आंसर हो गया नोट कर लेंगे